एक और खूबसूरत और सुहानी शाम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए मौज बहारावी तस्मा में। हसीन शाम का बन सकते हैं एक हिस्सा। तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी और इस शाम को बना सकते हैं यादगार। न गुल से न गुलशन से गुलफाम भेजा है, न गुल से न गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको ईद की खुशियाँ, हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है। Shaam mast tani madhosh kiye jaa 24/7 the best Asian music online. Asma Chowdhury on Asian Radio Live. Dale don dale dale. साहिबे अकल हैं आप, एक मसला तो हल कीजिए। साहिबे अकल हैं आप, एक मसला तो हल कीजिए। रुखे यार नहीं देखा, क्या मेरी भी ईद हो गई। इशू रेडियो लाइव से आज आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल।
आप सभी को हम दिल की गहराइयों से कहते हैं सलामी ईद। एशियन रेडियो लाइव की मैनेजमेंट की जानिब से, एशियन रेडियो लाइव की टीम की जानिब से और मेरी जानिब से भी आपको तहे दिल से ईद की खुशियां मुबारक। तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबले दीद है, तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबले दीद है, तेरी सोच मेरी चांद रात तुझको देखना मेरी ईद है। उधर से चांद तुम देखो इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो इधर से चांद हम देखें, निगाहें यूं ही टकराएं कि दो दिलों की ईद हो जाए। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। हसरत है तुम्हारी दीद करें, हसरत है तुम्हारी दीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। जी हाँ, एशिया रेडियो लाइव से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक धमाका किस्म की शाम, और इस शाम का अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे लिख भेज सकते हैं एक खत पत्र। आप मुझे भेज सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com, और या फिर अगर आप बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपका ईद का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या कुछ खाया, आपने क्या कुछ पकाया, आपने कितनी ईदी दी या फिर आपने कितनी ईदी वसूल की,
आप ईदी वैसे देने वालों में थे या आप ईदी लेने वालों में से थे। अब ये तो वक्त के साथ साथ जो है ना बदल जाती हैं, कहते हैं कि त्यौहार के साथ साथ रस्मों रवायात तो वही रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे उनमें बदलाव आता है। सदत मनसब लाहौर से ये कहती हैं कि उन्हें तो इस ईद पर उम्र बढ़ने के साथ साथ ईदी के कम होने का भी मलाल रहा। अरे वो कहती हैं कि इस दफ़ा उनको ईदी बहुत कम मिली। अब ये भी आपको बताएंगे कि कितनी ईदी मिली, क्योंकि वो हमारे साथ अपने फिगर्स भी ईदी के शेयर कर रही हैं। मेरा सोना सजन घर आया, मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका आई है मुसर्रत की पयामी बनकर, ईद आई है मुसर्रत की पयामी बनकर, वो मुसर्रत जो तेरी दीद से वाबस्ता है। जी हाँ, ईद के इस रंगारंग मौके पर आप सभी को हम कहते हैं दिल की तमाम गहराइयों से गुज़िश्ता ईद मुबारक। जी हाँ, बिलेटेड ईद मुबारक। और इस दुआ के साथ कि आपकी जिंदगी का हर दिन, हर पल और हर लम्हा इसी तरह से गुजरे जिस तरह से ईद का त्योहार हो, और आपकी खुशियाँ किसी ईद के त्योहार के लिए मोहताज ना हो। आज की एक धमाका खेज शाम नाम करते हैं आप सभी जाने बहारा के। खयाम शहजाद पिंडी से हमारे साथ शामले प्रोग्राम हुए हैं। पूछ रहे हैं कि आपने ईदी कितनी वसूल की या आपने ईदी कितनी दी, मतलब कि आप ईदी देने वालों की लिस्ट में शामिल थे या कि आप ईदी लेने वालों की लिस्ट में।
या कुछ ऐसा खास जो कि आपको ईद के दिन कुछ ऐसा करने को आपको मिला हो? आप सभी के खलूस, आप सभी के प्यार और आप सबकी मोहब्बत का दिल से हम करते हैं शुक्रिया। भेज सकते हैं आप मुझे ईमेल itsasma@asianradiolive.com। खूब मस्ती, खूब हल्ला गुल्ला तो जारी ही रहेगा और आप सभी की रिक्वेस्ट हम हमेशा की तरह याद रखेंगे। खूबसूरत नमा टेकन फ्रॉम द एल्बम लवारस। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है,
बात हम कर रहे थे ईद पे ईदी के हवाले से कि आपने कितनी ईदी दी है या आपने ईदी ली है। इस बारे में खयाम शहजाद कहते हैं रावलपिंडी से कि ईदी दी है, ईदी मिली तो नहीं है। वजह पूछी तो पता चला, कहते हैं कि बड़ा हो गया हूं ना। वैसे अपना भी ये हाल है कि खोटी चवन्नी भी नहीं मिली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी गाली हजूर की तो। वैसे मुझे भी वजह कुछ ऐसी ही लगती है। सदफ मंसब भी कहती हैं लाहौर से कि इस साल उम्र बढ़ने के साथ साथ ईदी भी सिर्फ 2000 रुपए हुई। वैसे कहते हैं कि शराफत तो वैसे ही गुनाह है, शराफत का मुजाहरा किया है इस ईद पर और इसी वजह से मुझे जो है ना वो एक खोटी चवन्नी भी नहीं मिली। अगर ना करती, क्योंकि मैं तो जो है ना ज़बरदस्ती अपना हिस्सा जो है जेबों से निकलवा लेती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं रही हूँ घाटे में और खिसारे में। मुझे लगता है कि फ़ाइन और पेनल्टी जो है ना उन सबको अब मैंने देनी है, क्योंकि ईद गुजर गई लेकिन मेरे दिल का जो हाल है ना, मैं अपने दिल के हाल को किस किस को सुनाऊं, लेकिन मैं अपने दिल का हाल जो है ना वो ज़रूर अपने दिल के हाल को करूंगी अच्छा, उसको बेहाल कभी नहीं होने दूंगी। जीना मरना बेमानी अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका आपका क्या होना है। जब तक आप हमारे साथ हैं हम आपको कुछ नहीं होने देते। अगर आप बैड मूड में हैं, आपके बैड मूड को बदल देंगे हम गुड मूड में। और अगर आप ऑलरेडी ही गुड मूड में हैं तो आपके हम मूड को जो है ना बेटर बना देंगे। और अगर आप बेटर मूड में हैं तो ऑफ कोर्स एक्सीलेंट आपके मूड को एक्सीलेंट बनाएंगे। और अगर आप पहले ही एक्सीलेंट मूड में हैं तो हम तो फिर भी चुप नहीं करने वाले। हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एक्सीलेंट मूड जो है ना वो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक, जिस तरह से एशियन रेडियो लाइव है, इस तरह से हंसता मुस्कुराता रहे। जी हाँ, इन खूबसूरत नज़ारों में और इन खूबसूरत समा में आ गई हैं हमारे साथ बर्मिंघम से फातिहा, आसिमा और फिरदौस नाज़। आप सभी की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आप सभी की ईमेल्स के मुताबिक आपने बहुत हमें मिस किया है। अरो मिस यू ऑल।
रसीद पर आपने कितनी ईदी किसी को दी है या आपने ईदी वसूल की है ये आप मुझे बता सकते हैं। वैसे कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी मिली तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ जिसको एक 54-58 भी नहीं मिली। अगर आप ईदी का नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, आप ये बताएं आपने ईद पे क्या खाया पकाया है, क्या आप अच्छा बना लेती हैं या कि आप खाने की माहिर हैं, या फिर आपने किस तरह के कपड़े पहने यही बता दें। सवाली फ्रॉम रोद्रम कहती हैं सभी को गुज़िश्ता ईद मुबारक। कहती हैं कि अभी अभी वो जॉब से आ रही हैं और आते ही सबसे पहले उन्होंने ट्यून इन किया। जी सबा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपने ईदी दी है या आपने ईदी वसूल की है। इसके अलावा आप कहीं गई हैं, आपने जो है कुछ खास बनाया है, कुछ पकाया है, कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारा है या आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारा है, आप मुझे बता सकती हैं। आप मुझे ईमेल कर सकती हैं itsasma@asianradiolive.com, या कि आप ऑन एयर आकर बात करना चाहती हैं तो 01143216377। आप कहती हैं कि थर्सडे का दिन उनको याद इसलिए रहता है क्योंकि उस दिन मौज बहारा का दिन होता है और वो थर्सडे के दिन को मंसूब करती हैं मौज बहारा के नाम से। जिंदगी की एक और हसीन शाम, एक और खूबसूरत नगमा और एक खूबसूरत सा अंदाज करते हैं आप सभी जाने बहारा के नाम। सबसे फेवरेट डिश कौन सी रही? आपको ईद वाले दिन क्या खास खाना पसंद है? जिस तरह से मेरी फेवरेट डिश ईद वाले दिन जो होती है वह शीर खुरमा होता है। आप मुझे बताएं आपकी मीठे में कोई पसंदीदा कोई ऐसी डिश होती है या कि आप चटपटे चटखोरे हैं। जिस तरह जिंदगी में खुशियां और गम दोनों शामिल हैं, इसी तरह से जिंदगी का मजा कुछ खट्टे में है, कुछ मीठे में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्वीट क्रेविंग होते हैं। मानो कि स्वीट क्रेविंग में उनको हर चीज फैसिनेट करती है, हर चीज मीठी फैसिनेट करती है। मेरे साथ इस तरह होता है, मैं स्वीट क्रेविंग हूँ और मुझे हर मीठी चीज जो है वो मुझे फैसिनेट करती है, और मुझे मीठी चीज दे दो और जो चटपटी और ऐसी चीजें बेशक दूर दूर तक मुझे ना दो। लेकिन ऐसा क्या होता है, आप क्या सोचते हैं कि आप भी इस तरह के हैं कि आपको ज्यादा मीठा पसंद है? वहां हजारों बिखरे सितारों के बीच चमकते उस सितारे को। कौन सा? वो ध्रुव तारा। ये तो मेरे शहर से भी दिखाई देता है। अच्छा सुनो, जब मैं इसे अपने शहर से देखूंगा तुम भी इसे यहां से देखना। चलो इसी बहाने कुछ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में। जा रही हूं। But don't worry. अभी जाके बाबूजी से बात कर लेता हूँ और उन्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। ओके?
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है, कोई कुछ खोता है तो कोई पाता है। एनीवे, गुड लक कैप्टन। करण, अरे ख़याम शहजाद तो कहते हैं कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है, कोई मीठे में जहर भी मिला दे तो वो खा लेंगे। अरे वे, ये तो हमारी ही दास्तान दिल है। अब्बास लकारी जी सांगर से, जी हाँ, वेलकम करते हैं आपको अपने इस ईद स्पेशल में, और गिला कर रहे हैं कि उनको ईद ही नहीं मिली। लेकिन आप ये बताएं कि आपने ईदी जो है किसी को बिल्कुल भी ईदी नहीं दी है, तो फिर तो इस बारे में जो है ना वो कोई ये गंभीर मसला है, और इस मसले को हम जो है ना अपने वो क्या कहना चाहिए कि अपने राउंड टेबल पर इस मसले को इस फोरम में लेकर आएंगे कि आपको ईद क्यों नहीं मिली। ईद पर सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? क्या आपको गिफ्ट्स देना अच्छा लगता है, या आपको कार्ड्स देना अच्छा लगता है, या आपको फूल भेजना अच्छा लगता है और मेहंदी चूड़ियां? जी हाँ, अश्विन चौधरी गुजरात इंडिया से कहते हैं हेलो सबको, और ईद की देते हैं मुबारक। हमारे साथ हमारे एक जाने बहार आज शामिल हुए हैं पहली मर्तबा, जी हाँ, डेनमार्क से लियाकत बाजवा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम इन आवर मौज बहारा। आपको हम करते हैं अपने इस स्पेशल ईद के शो में खैर मकदम, और ईदी की शक्ल में आपको देंगे हम बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से दिल को लुभाने वाले नगमे। ये अपने दिल की ख्वाहिश है, ये अपने दिल की ख्वाहिश है कि अब भी तुम्हारी दीद करें, अब के भी तुम्हारी दीद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। जी हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको यही कहा है कि हंसने का कोई मोल नहीं लगता, यही मेरा वादा है। और आपको हंसने के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, आप सुन सकते हैं मौज बहारा विद अस्मा ऑन एवरी थर्सडे। सबके खुशियां जवां, सबके
तोहफा दुआओं का तुम्हें पहुँचे मेरा, तोहफा दुआओं का तुम्हें पहुँचे मेरा, सदा रहे तुम्हारे गिर्द खुशियों का घेरा, सदा रहे तुम्हारे गिर्द खुशियों का घेरा, मुसर्रतें तुम्हें ईद की मुबारक हों, मुसर्रतें तुम्हें ईद की मुबारक हों, तुम्हारी जीस्त में ना आए कभी गमों का फेरा, आमीन। रोजे रखने के नाल मेरी संग टूट गई, दूध के नाल
community office and business space is here, in sought-after surroundings. Redlands Business Centre in Broomhill offers modern, flexible space from 150 to 2,000 square feet. You call the shots. No legal fees, an all-in single monthly fee. Free car parking and space. The space you need. Fast. And when you're done, no lengthy contract. Get in. Get the job done at RBC Broomhill. Sheffield 266155. 266155. Redlands Business Centre. Professional space when you need it. redlandsbc.co.uk. सामीन, इस वक्त अब आपको जो है ना हम लेकर चलते हैं पाकिस्तान के शहर संगड़ में, और वहाँ पर जो है ना लाइन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं अब्बास लगारी जी। जी खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आसमान जी, सारे दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सुनाए कि आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत ही आला, अपनों के साथ ईद मनाई, बहुत बेहतरीन गुजरी। अच्छा, हम बात आज कर रहे थे ईद के हवाले से कि आपने ईदी वसूल की या आपने ईदी दी या आपको ईद में गिफ्ट्स देना अच्छा लगता है, आपको क्या इन सारे लवाजमात में आपको क्या अच्छा लगता है?
मैडम मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जब अपने दूर दराज होते हैं वो आ जाते होते हैं, आपके साथ बैठ के वो खाना खाते हैं, गप्पे लगाते हैं, अपने आबाओ अजदाद के मज़ारों पे जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ईद पर आपका क्या खास जो है वो रहा था इस ईद पर, यानी कि बाकी ईद की बात नहीं करें, जो गुज़िश्ता ईद थी, इस हवाले से कि आपका दिन जो था ना उस दिन में क्या ऐसा खास ऐसा डिफरेंट आपने जो है किया हो जो पहले ना हुआ हो? कोई खास नहीं, उससे वही पुरानी चीजें होते हैं, खाने पकते हैं, अपने लोग आते हैं, मिलते हैं, ईदी बांटते हैं, कोई देता है कोई लेता है, बस ईद ऐसे ही गुजरती है। कोई खास स्पेशली आज आपका शो सुन रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरी दुनिया में बैठ के हम कनेक्ट हैं, लोगों से बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, यही सबसे बड़ा मेरा सरमाया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे आप बताएं, चलें ये ईद के हवाले से हो गए, वैसे आप बताएं कि आपके क्या और शगल हैं और क्या आपके शौक हैं, इसके अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है? बस यही है, शायर शायरी सुनते हैं, खासकर गजल जितने भी हैं, गुलाम अली खान साहब के, मेहंदी हसन साहब के बहुत सुन लेते होते हैं, पोएट्री पढ़ लेते होते हैं, और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी रेडियो है हार्ट FM, उसके साथ कनेक्टेड है, आरजे हैं, तो हफ्ते में दो शोज कर लेते हैं, यही सारे बस ईद चलती रहती है। अच्छा, आपने पोएट्री बात की है, आपने कहा कि गजल सुन लेते हैं, पोएट्री भी पढ़ लेते हैं, तो आज कोई पोइट्री का कोई याद है किता तो आप ज़रूर सुनाइए, ज़रा हमारे सुनने वालों की, ज़रा देखने वालों की, सुनने वालों की नज़र ज़रा कीजिए, हमें पता चले कि वाकई आपके जो शौक हैं वो अदबी किस्म के हैं। आसमा जी, कतील शिफाई ने कहा था जी, इरशाद, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा था मुरवत भी दिल लगी की तरह, किया है हमने प्यार जिससे जिंदगी की तरह, वो आशना भी हमसे मिला अजनबी की तरह। वाह वाह, वो आशना भी हमसे मिला अजनबी की तरह, वाह क्या बात है। और इसके अलावा आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, हमारे एशियन रेडियो लाइव के सुनने वालों के लिए? कोई मैडम पूरी दुनिया के लिए मेरा एक ही पैगाम है, वो है मोहब्बत, अपनायत। अगर मोहब्बत और अपनायत आपके अंदर में नहीं है तो आप इंसान नहीं है। सबसे बड़ा जो सरमाया है वो मोहब्बत है, मोहब्बत करें, मोहब्बत दें, मोहब्बत लें। बहुत आपने अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया कि आज आपने आके हमसे बात की है। आपको भी इसी तरह से मोहब्बतें जो है मिलती रहें और आप मोहब्बतें बांटते रहें। आमीन जी। सामिन, ये तो हमारे साथ लाइन पर थे पाकिस्तान के सिंध के एरिए सांगढ़ से, हमारे साथ लाइन पर थे अब्बास लगारी जी। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपना ईद का कोई एक्सपीरियंस या अपनी ईद की कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझे कर सकते हैं 01143216377 पर। और इसके अलावा जैसे कि ईदी के हवाले से बात मैं कर रही हूँ कि आपको जो है क्या अच्छा लगता है, आपको ईदी देनी अच्छी लगती है, लेनी अच्छी लगती है, गिफ्ट्स में क्या अच्छा लगता है, जिस तरह गिफ्ट्स में जो है कार्ड्स एक होते थे और कार्ड्स हम अपने फ्रेंड्स को जो देते होते थे कार्ड्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की मैं बात नहीं कर रही, कार्ड्स जो प्रिंटिंग कार्ड्स जो होते हैं स्पेशली वो कार्ड्स, और वो बहुत अच्छा लगता था, वो कार्ड्स जाना, कार्ड्स लेकर आना और उन कार्ड्स को बैठ के लिखना, जो सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत मौका था ना, वो मुझे वो लगता होता था। आपको भी ईद के ऊपर क्या अच्छा लगता है, क्या बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। सबा हमें बता रही हैं कि वो ईद पर जो है अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैनचेस्टर तो गई थी और साथ ही वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स के साथ कंट्री साइड पर गई। इसका मतलब है कि आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाया जालिम, तू तो खुद ही फूल है। ऐसे ही खूबसूरत और सहाने फूलों की खुशबू में आपको प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आपको कहते हैं हम खुश आमदीद। Yeah!
प्रोग्राम के दूसरे इस हिस्से में, इस दूसरे घंटे में हमारे साथ शामिल हुए हैं लंदन से राज गंभीर जी और मिस्टर पंजाबी, और इसके अलावा पाकिस्तान से निसार साहब। आप सभी को हम कहते हैं वेलकम। मधुर और सुरीली आवाजों के इस संगम में आपका करते हैं इस्तकबाल। और आपका ये कहना है लंदन से राज साहब के आपने 4 वीक जो है ना वो बहुत मुश्किल से गुजारे। अरे ये सब आपकी मोहब्बत है, ये सब आपका खलूस है कि आपने हमें इतना याद किया। अब आ गए हैं वापस आपके लिए धमाका खेज शाम के साथ। आ जाए आप सबको नचना सिखा दूं। आजा तेनु नचना सिखा दें, आपको भी नचना सिखा देते हैं, आप आ जाएं, आप ट्यून इन हो और आपको जो है ना नचना गाना हम दोनों सुना दे सिखा देंगे। इसी तरह से मैंने आपको कहा है कि हंसने की जो है ना वो हंसने का कोई मोल नहीं लगता। तो कहते हैं एक शख्स था तो वो काफ़ी देर से एक लड़की को जो है ना वो घूर रहा था। आखिर ना लड़की बड़ी तंग आ गई और लड़की ने ना हाथ से यूं इशारा उसको किया, ठीक है। अब जो दोस्त था ना वो दूसरे को कूनी मारता है और उसको कहता है ले फिर आज शामी 5 बजे का टाइम फिक्स होया। I'm not afraid to die.
क्या बात है जी, वक्त की कीमत होती है। सही कहा कि वक्त कभी भी गया वापस नहीं आता, वक्त कभी रुकता नहीं, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए। वक्त के साथ साथ चलते रहें, यही है बेहतर आदमी के लिए। कहते हैं कि वक्त को पैसे की तरह खर्च किया जाए, लेकिन मानो के अगर वक्त को हम पैसे की तरह खर्च करेंगे, यानी कि बहुत ही सोच समझ के साथ, तो पैसा तो अगर चला जाए, अगर नुकसान हो जाए या अगर खर्च कर दें तो वापस आ जाता है, लेकिन वक्त वक्त कभी भी गया हुआ वापस नहीं आता। इसी वक्त के हवाले से मुझे एक बहुत ही अच्छी बात याद आ रही है, और मैंने कुछ दिन हुए एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी, फैसिनेट बहुत की उस बात ने। और उसका मॉरल क्या निकलता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो अपनी गाड़ी में जा रहा होता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। आखिर पास ही एक रिक्शा ड्राइवर होता है रिक्शा लेके, और वो रिक्शे के ऊपर जिस तरह से टांगी अपने ऊपर रख के और बड़ी मौज मस्ती के साथ एक गाना गुनगुना रहा होता है। आखिर क्या होता है कि वो ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी जो है उसको यहाँ पर लगा दो और रिक्शे को बुलाओ। अब रिक्शे वाला आ जाता है, वो जो अमीर आदमी होता है वो इस रिक्शे में सवार हो जाता है, और अब रिक्शे जो रिक्शा ड्राइवर होता है वो अपनी धुन में अपनी मस्ती में रिक्शा भी चला रहा होता है और साथ ही साथ गाने की धुन गुनगुना रहा होता है। आखिर अमीर आदमी जो है ना, वो बहुत ही बहुत हैरान हुआ और उसने क्या किया, उसने कहा कि किस तरह से ये मुमकिन है कि रिक्शा है चला रहा है, पता नहीं उसको मिलने भी हैं दिन में इतने खर्चे के पैसे या नहीं। आखिर खैर उस सूरत हाल में ना उस अमीर आदमी की मंजिल आ जाती है और वो उसको रिक्शे वाले को 20 रुपये दे देता है। रिक्शे वाला 20 रुपये लेता है, जेब में डालता है और उसी धुन में और उसी गुनगुनाहट के साथ रिक्शे वाला वापस चल पड़ता है। अब जो अमीर आदमी होता है उसके जहन में ये बड़ी ही क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या बात है कि ये इतना खुशहाल है, क्या ये रिक्शे से इतने पैसे कमा लेता है कि ये अपने दिन भर के सारे अखराजात और सारे जो इसकी जो भी इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी होती हैं। आखिर वो ये फ़ैसला करता है इसको जानने के लिए कि वो अपने मुलाजिम को कहता है कि तुम रिक्शे ड्राइवर को कहो कि वो हमारे घर खाने पर आए। आखिर क्या होता है कि वो रिक्शे वाला उसको खाने की दावत दे देते हैं, वो खाने की दावत एक्सेप्ट कर लेता है और रिक्शे वाला उसके घर आ जाता है। अब बात यहाँ पे बड़ी सुनने की और बड़ी पते की बात है। अब वो क्या करता है कि जब वो वापस आता है उसके उनके घर आता है तो वो बड़े मज़े से उसको जो है इतना बड़ा उसके आगे दस्तरखान, जिस तरह से एक किंग के आगे एक दस्तरखान बचता है, इस तरह से उसके आगे हर तरह के खाने होते हैं और वो अपनी धुन में उसी जो नगमे को वो गुनगुना रहा था रिक्शा ड्राइव करते हुए, वही वो आराम से गुनगुना भी रहा है और ऐसे वो खा रहा है रिक्शे वाला कि जैसे मानो कि उसने ऐसे खाने पता नहीं कब से कितने खाए हों। अब जो अमीर आदमी होता है उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, वो कहता है कि ये क्या मसला है और ये क्या माजरा है। आखिर वो कहता है कि इसको जानने के लिए कि मज़ीद जो है ना इसको इसके इस राज को जानने के लिए उसको अपने मुलाजिम को कहता है कि तुम रिक्शा ड्राइवर को कहो कि वो हमारे घर कुछ दिन रुके। आखिर मुलाजिम उसे जा कहते हैं कि हमारे साहब ने तुम्हें दावत दी है और तुम एक हफ्ते के लिए हमारे मेहमान बनो। खैर वो रिक्शा ड्राइवर आ जाता है। अब जब आ जाता है आप यकीन करें कि एक बेल के ऊपर 10-10 नौकर, कोई उसको जूते पहना रहा है, कोई उसके बाल बना रहा है, कोई उसके कपड़े प्रेस करके ला रहा है, कोई कुछ, मतलब एक बेल के ऊपर इतने इतने मुलाजिम। अब वो कोई इमोशंस नहीं दे रहा, कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा। अब उस अमीर आदमी को और गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जिस तरह से इसने इस तरह के खाने, इस तरह का माहौल इसने ज़िंदगी में पहले भी बहुत दफ़ा देखा हो।
आखिर कुछ दिन गुजरे लेकिन वो कोई भी इमोशंस कुछ भी इस तरह की बात ना दे रहा हो तो उसको गुस्सा चढ़ा। उसने अपने मुलाजमीन को कहा कि तुम इसको रवाना करो, चलता करो। आखिर मुलाजिम आके कहते हैं कि हमारे साहब का कहीं बाहर जाने का बन गया है अचानक से प्रोग्राम, तो इस वजह से आपको जो है ना हम अब खुदा हाफिज़ कहते हैं। वो कहता है ठीक है, मुझे उसी मुकाम पर छोड़ आएँ। आखिर उसके मुलाजिम उसे लेकर आ जाते हैं जहाँ उसका रिक्शा होता है खड़ा। वो दोबारा से रिक्शे में बैठता है और वही मैला कुचेला सा जो कपड़ा होता है वो डैशबोर्ड से निकालता है और अपने रिक्शे की सफाई करने लग जाता है। लेकिन वो फिर भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा, फिर भी कोई इमोशंस नहीं दे रहा, और ये बात जो उस अमीर आदमी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हो। अब वो कहता है ये किस तरह का इंसान है, ये किस तरह का ये शख्स है, इसको इतना अच्छा माहौल मिला, इसको इतना अच्छा खाना मिला, हर चीज़ इसको मिली, लेकिन ये वहाँ भी इसने कुछ ऐसे रिएक्शंस नहीं दिए, यहाँ आकर फिर भी ये वही गाना गुनगुना रहा है, वही अपना वही रिक्शा, वही गंदा सा मैला कुचेला सा सीट, उसके ऊपर वही अंदाज़, वही गुनगुनाहट और वही चेहरे पर एक शांति और एक सुकून उसके हो। आखिर वो बड़ा ही जो है ना इसको ले के ना कहता है मैं तो अब ये बात पूछ कर रहूँगा। आखिर वो क्या करता है कि आखिर वो अमीर आदमी उस रिक्शे वाले के पास जाता है। आप जानना चाहते हैं कि उसने क्या कहा? बात बड़े पत्ते की है। उसने कहा कि ये क्या बात है कि जब तुम्हारे पास एक अच्छा माहौल था तब भी तुमने कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए, तुमने उसको बिल्कुल लाइट लिया, इस तरह से तुमने उसको लिया जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी शामें और ऐसी रातें और ऐसे दिन और ऐसे खाने और ऐसी फैसिलिटीज़ पता नहीं कितनी की आप अडॉप्ट कर चुके हो, जब तुम वापस आ गए हो उसी माहौल में उसी जगह पर और वहाँ पर आने के बाद भी तुम फिर भी कोई एक्सप्रेशंस तुम्हारे नहीं। तब उसने एक बात कही, रिक्शा ड्राइवर ये कहता है कि मैं अपने हाल में खुश रहता हूँ, मैं अपने बुरे वक्त में अपने अच्छे दिनों को याद करके उनकी याद में खोकर अपने आने वाले पल को डिस्टर्ब नहीं करता, और जब मुझे ज़िंदगी में अच्छे दिन मिलते हैं तो मैं बुरे लम्हों को याद नहीं करता, और जब मुझे ज़िंदगी में बुरे लम्हात मिले हैं तो मैं उन बुरे लम्हात में अपने अच्छी यादों में खोकर उस टाइम को ख़राब नहीं करता। तो बात यह कही कि जो भी है वो रहता है अपने हाल में। जी हाँ, हमारे भी जो दिल में ख़बर होती है, जो भी बात होती है पहुँच जाती है, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर ब्रेडफोर्ड से अहमद बलाल हैं। जी हाँ, खुशामदीद कहते हैं आपको बलाल जी। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कि आप कैसे हैं, और आपको हमारी जानिब से, हमारी एशियन रेडियो लाइव की पूरी टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से आपको जो है ना गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकअल्लाह, मेहरबानी जी, आपको भी ऐसी ही हजारों ईद अल्लाह नसीब करे और अल्लाह आपको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। आमीन। आपने ये बहुत अच्छी बात की है क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती अगर है तो तभी सारा कुछ और सारे गोल्स और सारा हम अचीव कर सकते हैं। खैर, आप बताएं कि ईद पर हम बात ये कर रहे हैं, आज हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपने ईदी वसूल की या आपने ईदी बांटी, क्या आपने किया? कुछ खास नहीं हुआ, न किसी ने ईदी दी न किसी ने ईदी ली। शाबाश, इसका मतलब है कोई 54-58 भी वसूल नहीं हुई।
वो सागर जी की शेर है कि मांगे कि पीते हमने और कहते हैं कि हाँ रंग लाएगी पाका मस्ती एक दिन। वाह क्या बात आपने की, बड़ी पते की आपने बात की है। खैर और सुनाएं कि ब्रैडफोर्ड का वेदर कैसा है, माहौल कैसा है वहाँ का, और ईद के दिन वहाँ पर कैसी गहमा गहमी थी? बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शानदार सा माहौल था, ठीक है ना, एकदम से वो जैसे बोल रहे ईद ईद थी हर तरफ। लेकिन सच्ची से पूछना अगर मेरे मन में ईद नहीं थी। अरे वो आपके मन में क्यों? कहते हैं कि मौसम इंसान के अंदर होता है, कहते ना मौसम तेरे आवण नाल मौसम तेरे जावण नाल, बंदा कल्ला रह जांदा बहुते यार बनावण नाल, कहीं ऐसी बात तो नहीं होगी? ओए ऐन ईद दा भी नहीं उचा छड़िया, ऐन ईद दा भी नहीं उचा छड़िया, साडी ईद भी एवें निगाह छड़ी, साडी ईद सी तेनू वेखण दी, उजड़ी जागारा नू वखा छड़ी, दस पिछला केड़ा जुर्म होया, जिदी ईद वाले दिन तू सजा दिती, असां बह के फेर भी बंद कमरे तेनू नेक दिल दी दवा दिती। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके क्या शौक हैं, क्या शगल हैं, क्या आपके अंदाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पूछना बेजा होगा, क्योंकि आपकी बातों से आपके शौक और आपके अंदाज झलक रहे हैं। अंदाज बयां अगरचे इतना शौक नहीं गालिब, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओह मुकर्रर मुकर्रर जनाब मुकर्रर। गजल सुनाऊं? जी जी जरूर जरूर गजल सुनाए जनाब। बारिशों के मौसम में दिल की सर जमीनों पर गर्द क्यों बिखरती है, इस तरह के मौसम में फूल क्यों नहीं खिलते, लोग क्यों नहीं मिलते, क्यों फकत ये तन्हाई साथ साथ रहती है, क्यों बिछड़ने वालों की याद साथ साथ रहती है, इतनी तेज बारिश से दिल के आईने पर से अक्स क्यों नहीं धुलते, जख्म क्यों नहीं मिलते, नींद क्यों नहीं आती, बारिशों के मौसम में आंख क्यों नहीं बरसती, बारिश क्यों नहीं थमते बारिशों के मौसम में। वाह आपने बारिश की बात की है तो मुझे भी शेर याद आ रहा है कि तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा, कितने बारिशों के मौसम जी जी बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की, बारिशों के मौसम में आसमा चौधरी को याद करने की आदतें पुरानी। वाह जी बारिशों में आपने तो हमें नहला दिया है और बारिशों से अच्छा वैसे बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा तो फिर ख्याल आया के आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती, जो बारिश की तमन्ना है तो इन आंखों में आ बैठो, जो बारिश की तमन्ना है तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में कहीं बरसे ये बरसों से बरसती हैं। क्या बात है जनाब क्या बात है। अच्छा और बताएं आप, चलें ये हो गया, आपने ईद वाले दिन ऐसा क्या कुछ खास खाया? मैंने आज ये भी एक बात चल रही है कि मीठा ज़्यादा पसंद है या नमकीन ज़्यादा पसंद है, तो हमारे बहुत से व्यूवर्स ने ये कहा कि मीठा अगर जहर में मिला दिया जाए तो हम उसको शौक से नोश फरमा लेंगे, आप बताएं। वैसे एक मजे की बात सुनो। जी जी वैसे तो आपका इतना रिलीजियस शो नहीं है लेकिन बात कर देता हूँ, फरमान नबवी है कि जहर के वो शहद के सिवा जितना भी मीठा है सब जहर है, शहद के सिवा जितना भी मीठा है सब जहर है, और जहर के सिवा सब कड़वा तरियाक। सही क्या बात है जनाब क्या बात है। और आज आप क्या मैसेज देंगे? कुछ भी मीठा मिल जाए खाने को तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खा जाएंगे। वाह इसका मतलब है कि वो टेंशन ही नहीं लेने की आपने कि ये ना हो वो ना हो, बस जो मिल जाए ठीक है।
अहमद बिलाल शेफ है। चलें ठीक है, तो आज क्या मैसेज आप देंगे अपने ब्रेडफोर्ड के वासियों के लिए होगा या हमारे एशियन रेडियो लाइव के व्यूवर्स के लिए? क्या प्यारा सा मैसेज हो, लेकिन हो कुछ शायराना अंदाज में जनाब। मेरे वतन के वासियों, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी खराज दे। मेरे वतन के वासियों, जियो तो इस तरह जियो कि दवा तुम्हें समाज दे। ये रास्तों के पीछ हम बढ़ो तो चूम लें कदम, यहाँ हर घड़ी से प्यार लो, ये माशरा सुधार लो। ये वक्त खो रहे हो तुम, जो फसल बो रहे हो तुम, किसी को काटनी भी है, ये आग चाटनी भी है। हवास किसको दे दिए, हवास किसको दे दिए, ना कि अपनी नस्ल के लिए। तबाहियां उधार लो, ये माशरा सुधार लो, वाह माशरा सुधार लो। क्या बात आपने की है, आज के माशरे और आज के माहौल के हवाले से आपने मैसेज दिया है, आपने पैगाम दिया है। आपको हमारी तरफ से भी बहुत सी खुशियां मुबारक, बहुत सी जो है आपको हर लम्हे और हर पल आपको ज़िंदगी की दुआएं हैं ये। तो इसके साथ ही आपसे फिर भी मुलाकात होगी, फिर भी बात होगी इंशाल्लाह आसमान जी, इंशाल्लाह। जी सामिन, ये तो हमारे साथ ब्रेडफोर्ड के शहर, जी हाँ ब्रेडफोर्ड हमारे करीब करीब भी है, हमारे ब्रेडफोर्ड के शहर से अहमद बलाल साहब, और उन्होंने आके हमसे बात की। और आप ही हमें बता सकते हैं कि आपने ईदी ली है, दी है, या कि आपका हिसाब भी जो है ना वो इसी तरह रहा है। खैर, क्या खूबसूरत बात, क्या शायराना इनका अंदाज, इनसे बात हमारी फिर भी होती रहेगी।
जी हाँ, एशिया रेडियो लाइव से आप सभी को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में और दूसरे घंटे में आप सभी जाने बहारा को हम कहते हैं खुश आमदीद। और आज लेकर आए हैं आपके लिए एक धमाका खेज शाम, ईद स्पेशल। आप सभी की रिक्वेस्ट तो मेरे तक आ चुकी हैं और आ भी रही हैं, लेकिन आज जो है ना, आज अपुन का कुछ मूड नहीं है। आपने देखा है कि औरतों को कहते हैं कि ये बहुत बातूनी होती हैं, बहुत बातें करती हैं, और जो इनको ये वो और पता नहीं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि ज़्यादातर 80% क्या, मोर देन 80% अगर आप कहें कि ज़्यादातर जोक्स जो है ना, वो ज़्यादातर जोक्स भी ख़वातीन पर ही बने हुए हैं। इसका मतलब है कि लतीफ़ों की दुनिया में भी औरतों ने जो है ना, वो अपने कमालात दिखाए हैं, जहाँ पर लड़ाइयों में और बाकी चीज़ों में हैं। इसी तरह से एक बीवी कहती है अपने शौहर को कि अगर हमारी लॉटरी लग जाए तो क्या होगा। वो शौहर कहता है कि अगर मेरी लॉटरी लग जाती है तो तुम क्या करोगी। तो बीवी फौरन कहती है कि आधे पैसे लूँगी और हमेशा के लिए मायके चली जाऊँगी। अब इतने में शौहर आगे से कहता है, ये लो 100 की लगी है, 50 रुपये लो और निकल लो, शाबाश। जी हाँ, केम छेम सुनना चाहते हैं अश्विन चौधरी गुजरात से। नींद नहीं आती है रातों में, तो ये लीजिए आपका केम छे। आप इस वक्त फौरन आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि आपने तो कहा था आज किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं लगानी, तो आपने ये अब क्यों लगाया है। अरे भाई, लड़ाई शड़ाई जो है ना, वो बाद में करें, क्योंकि ये गेम छे तो मैं वैसे ही लगाने वाली थी, लेकिन बाय चांस जो है ना, वो मेरी चॉइस के साथ अश्विन चौधरी साहब की चॉइस मिल गई, तो मैंने कहा कि वो सेम ही बात है, इनके ऊपर जो है ना, वो हम चढ़ाते हैं एहसान और यहाँ पर जो है ना, फिट कर देते हैं रिक्वेस्ट को। शौहर, जान सोचा कॉल कर लूँ तो मुझे याद कर रही होगी। और बीवी, और वो जो सुबह लड़ाई हुई थी उसका क्या। शौहर, ओए फिटे मुँह, घर का ही नंबर मिल गया है। जी हाँ, एशिया रेडियो लाइव से हर थर्सडे की शाम को, हर गुरुवार की शाम को 6:30 यूके टाइम के मुताबिक आपके लिए लेकर आते हैं हम रंगारंग किस्म का शो। हम
हमारा आज का जो थीम है आज है ईद स्पेशल। अगले हफ्ते के लिए आप मुझे अपने रिक्वेस्ट अपने फीडबैक भेज सकते हैं asma@asianradiolive.com पर। एशिया रेडियो लाइव की आप नशरियात सुनते हैं नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक 7 days a week। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी बहुत शीरी आवाज है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि हम अपने शो में अपने आवाज का जादू जगाइए सेगमेंट में आपको शामिल प्रोग्राम करें, तो उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं asma@asianradiolive.com पर। ओए, आपने नोट कर लिया है ना ईमेल? प्यार कर लिया तो क्या?
हाँ प्यार कर लिया तो क्या खता कर लिया, खता तो कोई नहीं हुई। अगर आप भी मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, या कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं अपनी आवाज़ का जादू जगा कर चमका कर, तो आप मुझे एक ईमेल कर सकते हैं asma@asianradiolive.com पर, और आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं रिक्वेस्ट, लेकिन आज चूंकि धमाका खेज ईद स्पेशल चल रहा है, आज मैंने वैसे कान लपेट लिए हैं, आज आप यही सुने सारे। आपने भी अगर नचना होता है तो आप थर्सडे को हमारे साथ शामिल हो सकते हैं 6:30 पर। आपको यही कहा है कि हंसने का कोई मोल नहीं लगता, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों में अपना रंग जो है वो मिलाते रहिए, और उन छोटी छोटी खुशियों को मिलाकर बड़ी खुशियां बनती हैं। अगर आपने भी हमारे साथ पाने होते हैं पंगड़े, या पर आपने उड़ाने होते हैं होश, तो आप मिल गए हमें थर्सडे को 6:30 पर। आपकी रिक्वेस्ट को हमेशा हम कहते हैं वेलकम, लेकिन जब आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सैड सॉन्ग्स जो हैं, सैड गीत अपने शो में हम बिल्कुल नहीं लगाते। बाकी नगमा अगर नया हो, पुराना हो, झूमता हो, नाचता हो, मस्ती वाला हो, तो क्या ही बात है जनाब। क्या उर्दू, क्या पंजाबी, क्या हिंदी, क्या पाकिस्तानी, अगर आज का हमारा शो आपको अच्छा लगा है तो आप लिख सकते हैं मुझे फीडबैक
अगर नहीं भी अच्छा लगा तब भी आप मुझे लिख सकते हैं asma@asianradiolive.com पर, और अगर अच्छा ज्यादा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तब आप ईमेल करते हैं अपने दोस्तों को, कहते हैं कि अच्छी बात हमेशा जहां पर देखें पढ़ें उसे दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ईद की हम बात कर रहे थे, आप सभी के जो पूछा गया था आप सभी ने ये बताया, फातिहा ने कहा कि मुझे तो ईदी वसूल हुई है, मैंने ईदी किसी को दी नहीं अभी तक। ठीक है, फातिहा ने ये कहा, आसिमा ने बर्मिंगम से कहा, फिर दोस्त नाज ने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बढ़ चुकी हैं इसलिए हम ईदी वसूल करने वालों में से तो नहीं हैं लेकिन हम ईदी देने वालों में से हैं। सबा कहती हैं कि उन्होंने ना ली ईदी ना दी ईदी, स्यापा ही मुक्का। वैसे ये बात होती है कि ईदी बड़े होने के साथ कम ज़रूर होती है लेकिन ईदी बड़े होने के साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं, जिस तरह से हमारे बड़े भाई बहनें हो गईं या हमारे वालदैन हो गए, उनसे उनका तो बनता है ना, वो तो हमें ईदी देते ही देते हैं। और जब आप का स्टेटस चेंज हो जाता है, जब आप कुंवारेपन की हद से निकलकर आप आ जाते हैं शादीशुदाओं की फहरिस्त में, तो ऑफ़ कोर्स फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आपके अहले खाना को। लेकिन वैसे देखा जाए ईद का ज़्यादा मज़ा तो ईद का बचपन में या बच्चों में होता है। ईद के दिन मैंने भी, मुझे भी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े रंग बिरंगे से कपड़े पहनकर, हर चीज़ उनकी नई, जूते उनके नए, मेहंदी लगी हुई, चूड़ियाँ नई उनकी पहनी हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो है ना, चूँकि उस दिन सनशाइन था, वेदर का असर भी था, और बच्चों ने जो है, बच्चों ने ग्लासेस पहने हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने पर्स पकड़े हुए हैं हाथों में, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि वाकई वैसे ईदी बचपन में इसी तरह से होती है कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ऐसा होता था कि मैंने जो चीज़ भी इस्तेमाल करनी होती थी और वो सारा कुछ जो है वो नया होना चाहिए, क्या नए जूते, क्या सॉक्स, क्या मेहंदी तो लगानी, चूड़ियाँ भी, फिर उसके साथ जो सबसे सूट के साथ मैचिंग पर्स होना चाहिए, छोटा सा पर्स पकड़ा हुआ होता था। अब अगर सर्दी है, सर्दी की ईद है, तो उसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर जो है ना, सवाल ही पैदा नहीं हो जाए कि अगर मैं कभी कोई कोटी पहन लूँ, कोई जर्सी, कोई कार्डिगन, कुछ ऐसा पहन लूँ। मैं कहती थी ना भी ना, मेरा तो जो है ना ड्रेस नज़र ही नहीं आता। और मुझे जो है, मुझे अभी भी याद है कि मुझे मेरी मम्मी जो है ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के हाई नेक पहनाती थी, और मैं कहती होती थी कि मेरे सारे सूट का सत्यानाश मार दिया है। और वाकई वैसे वो टाइम क्या अच्छा टाइम होता था, और हर चीज़ की, और ख़ास तौर पर मुझे अभी भी याद है वो वाकया कि रात को जब हम सोते होते थे, सुबह को तो आपको पता है कि जब स्कूल के लिए जाना होता था बहुत मुश्किल होता था सुबह उठें तो, लेकिन ईद के दिन सबको जो है ना, दादा दादी और फूफियाँ होती थी, बड़ी कज़न्स होती थी, चचा चची सब जो होते थे, सबको जो है ना, मैंने इंडिविजुअली ये मैसेज देना कि सुबह को मुझे जो भी उठाएगा, अगर मैं नहीं उठूं तो मुझे इस मैसेज, इस कोड वर्ड के साथ कि आज ईद है, वो मुझे जो है कह के मुझे उठाया जाए, कि मुझे इतनी ज़्यादा उसकी होती थी। और मेरी ईद होती थी चूड़ियों के बिना, मेरी ईद कभी ऐसा नहीं होता था कि मेरी ईद चूड़ियों के बिना हो, या मेरी ईद मेहंदी के बिना हो, या मेरी ईद फूलों के बिना हो, कि फूलों के गजरे ज़रूर मैं पहनती होती थी चाहे मैं बहुत छोटी सी होती थी। और जो एक ख़ास बात होती थी कि कपड़े भी जो ऐसे होने चाहिए कि बड़े चमक चमक वाले, और इस तरह पता चलना चाहिए कि हाँ भी ये ईद का एक चलता फिरता, ईद का एक मॉडल जा रहा है। एक
लेकिन जिंदगी का हर पल हर लम्हा ही उतना ही खूबसूरत और उतना ही हसीन जितना पहले था। ये नहीं कहते जो वक्त गुजर गया वो अच्छा है, जो अब है जो नहीं अच्छा, क्योंकि वक्त कभी भी रुकता नहीं है। वक्त के साथ साथ हम चलते रहते हैं, वक्त के साथ हम चलते हैं, जिंदगी जैसे ही हमारी चलती है एक रोड की मानिंद है, और स्लिप रोड से और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सी रिश्ते हमारी ज़िंदगी में उस स्लिप रोड से हमारे साथ मिलते जाते हैं। बीवी तुम सारी दुनिया में भी ढूंढ लो ना तो तुम्हें मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शौहर तो तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा, हद हो गई है भाई। खावन ने बीवी से पूछा तुम्हारा शादी से पहले कोई आशिक था? अब बीवी खामोश। खावन कहता है कि मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी कहती है मरे गिनने तो दो कितने थे। बीवी 15 मिनट पूरे खामोश रहने के बाद अपने खामोश शौहर पर गरजने के बाद बोली है कि मैं लड़ाई ख़त्म करना चाह रही हूँ मगर ये तुम्हारी गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम बनता जा रहा है।
जी हाँ, मौज बहरावी दसवां आज आप सुन रहे हैं, ईद स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं हम धमाका खेज शाम, आप सभी के नाम, आप सभी चाहने वालों के नाम करते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं आवाज़ का जादू जगाइए सेगमेंट, तो उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगी, इट्स asma@asianradiolive.com। जी हाँ, आप भी इसी तरह से छोड़ दे फिक्रें और आज या गुरुवार को 6:30 पर और पंगड़ा पाते हैं मिलकर। क्या ख्याल है वैसे आपका, लक 28 कुड़ीदा, वेट कुड़ीदा 47, लेकिन मेरा ख्याल है जालमो ये तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हवा चले तेज़ हवा नाल उड गई ते पिंड विच पै गई पंडी, फिर ये हिसाब ना हो जाए ना। लेकिन खैर जो भी है, खाइए पिए और इतना हो कि कम से कम जो है ना वो लगे तो सही आप खाते पीते घर से हैं। खैर आज हम आपके लिए लेकर आए थे ईद स्पेशल, लेकर के आए थे, अभी भी चल रहा है आपके लिए ईद स्पेशल, और आपको हमने बताया कि अगर आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बनना चाहते हैं, इस खूबसूरत हसीन शाम का हिस्सा बनना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट्स के ज़रिए, या फिर आप हमारे सेगमेंट जो कि प्रोग्राम के ठीक दूसरे घंटे में हम शुरू करते हैं आपकी रिक्वेस्ट से पहले, आपके लिए हम बजाते हैं आप ही की आवाज़ में नगमे, आप ही की आवाज़, चाहे वो कवर सॉन्ग हो और चाहे आपकी प्राइवेट कंपोजिशन हो, उसके लिए भी मज़ीद जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं asma@asianradiolive.com पर। कहते हैं ईद का एक ऐसा त्यौहार है, ना ईद का ऐसा त्यौहार है, ऐसे और भी काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं कि उन फेस्टिवल्स में जितने भी रूठे हुए होते हैं उनको मनाया जाता है, लेकिन ये तो त्यौहारों पे मनाया जाता है कि त्यौहार जब आ रहा हो तो रूठे हुओं को मनाया जाता है, फासले ख़त्म किए जाते हैं, दोस्ती बरकरार की जाती है। लेकिन आपको ये बात कहें कि ज़रूरी नहीं कि आप इन त्यौहार का इंतज़ार करें, जो भी आपके रूठे हुए हैं, जो भी आपके मनाए हुए हैं,
क्योंकि आपको हमेशा ये कहा है कि क्या पता कल हो ना हो। मोहब्बत यूं नहीं करते गुरुरे हुसैन के सदके, जो भी रूठा हुआ है उसको मनाएं, जो माना हुआ है उसके साथ अच्छा टाइम बताएं, और जिसके साथ अच्छा टाइम बताया है उसके उन लम्हों को यादगार बनाएं। सुख के, खुशी के, हर तरह के लम्हात आते हैं, लेकिन एक बात यह कि कोई भी टाइम फॉरएवर नहीं रहता। अगर खुशी है तो आप उसी खुशी के नशे में सरशार होकर नहीं रह सकते, लेकिन अगर गम है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वक्त जो है वो रुकता नहीं है। वक्त एक क्या कहते हैं कि एक बहाव की तरह है, पानी के बहाव की तरह है कि जो चलता है और अपने साथ चलाने के लिए बहुत सारे और नदी नालों को अपने साथ मिलाता है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कोई भी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। पहले भी ये कहा है, अब भी ये कहेंगे कि अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे नहीं लगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं itsasma@asianradiolive.com, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप दूसरों को मेल कर दें। छूले आसमां तो जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमां तू जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी तू खुशी की तलाश ना कर। अरे जिंदगी बदल जाएगी तेरी ऐ दोस्त, अरे जिंदगी बदल जाएगी तेरी ऐ दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। प्रोग्राम को आप रिपीट ट्रांसमिशन में भी देख सकते हैं ठीक इस प्रोग्राम के खत्म होने के कुछ ही देर बाद। आप सभी की आमद और तशरीफ आवरी का हम दिल से करते हैं शुक्रिया। आपकी दिलकश निगाहों की नजर, आपकी
आपके खूबसूरत समातों की नजर। आपको एक बार फिर कहते हैं सलाम ईद। कल गुल खिले थे गुलिस्तां भी खिलेंगे, कल गुल खिले थे गुलिस्तां भी खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अगले गुरुवार को आपसे फिर होगी मुलाकात 6:30 पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मौज बहारा विद अस्मा ओनली ऑन एशियन रेडियो लाइव पर। संसार